मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के गृह जिले रायसेन में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लापरवाही की जा रही है। जहां यहां जिला अस्पताल में सामान्य बुखार का इलाज कराने आए एक नौजवान युवक की इलाज के दौरान ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। विदिशा रायसेन हाईवे रोड पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एमएल अहिरवार पर 1000 रूपये की रिश्वत लेने के बाद भी इलाज में मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि समय पर इलाज नहीं मिलने से युवक की मौत हो गई। उधर परिजनों के हंगामे के बाद सभी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए, जिससे जिला अस्पताल में अव्यवस्था का माहौल बन गया। आनंद फानंद में सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री ने सभी डॉक्टरों और स्टाफ के साथ मीटिंग की और अस्पताल स्टाफ के साथ हुई अभद्रता पर कार्रवाई कराने का आश्वासन देते हुए हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। मैं रात्रि 11 बजे लेके आया था, सिर्फ बुखार आया था तो भर्ती कर दिया इन्हें। भर्ती करने के बाद कोई देखरेख नहीं, उसके बाद लहरवार साहब थे, इनने फीस ली पहले, इसके बाद इनने जो जांचें लिखी वो सब हुई, अस्पताल देखे नहीं आए। फीस कितनी ली? फीस 1000 रूपए। काई के लिए? पता नहीं काई के लिए, प्राइवेट फीस ली। देखा यहाँ? नहीं देखा यहाँ पे। मेल वार्ड में भर्ती किसी पुरुष मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और इलाज उसका हमारे डॉक्टरों ने निरंतर कर रहे थे। मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके साथ के लोग परिजन अस्पताल की ओपीडी में आकर हंगामा किया।